नमस्कार, मैं हूं दीपाली और अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वे कभी सड़कों पर झाड़ू से सफाई करते नजर आते हैं तो कभी नालों की। प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों की समस्या जानने के लिए साइकिल से निकल पड़े। वे रामा जी का पूरा मोहल्ले में पहुंचे तो लोगों ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को लेकर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही कहा कि शहर में डेंगू जानलेवा हो चला है, लेकिन नगर निगम के सफाई कर्मचारी उनके मोहल्ले में नहीं आते हैं, जिससे नाले और नालियों की सफाई नहीं हो रही है। ऐसे में आनन फानन में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोगों से फावड़ा मांगा और खुद ही फीट के नाले में उतरकर सफाई करने में लग गए। आज जो हमारा शहर में प्रदूषण के ज़्यादा है, गंदगी भी है, ये सब व्यवस्थाएं लंबे समय से कर रहे हैं। मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। हम अपने आप अपने भविष्य के लिए, अपने लाडले लाडले जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हीं के भविष्य के लिए, हमारा स्वयं का सबका कर्तव्य और दायित्व तो बनता है कि शहर स्वच्छ हो, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त हो और स्वस्थ हो, तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, शिक्षित हो और सुंदर हो। ये सबका दायित्व, मेरा भी दायित्व। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, सब धर्मगुरुओं से, सभी राजनीतिक पार्टियों से, पार्षदों से, सांसद जी से, और मैं सबसे मिलूंगा भी। मैं कैबिनेट मंत्री बाद में हूँ, पहले ग्वालियर का नागरिक हूँ। ये संदेश मेरा देने का काम है। अब इस संदेश पर निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जो अपने लाडले लाडली को प्यार करते हैं, रोटी कपड़ा एक मकान उनका हिस्सा है, पर उनके अनुकूल वातावरण बने। वातावरण कब बनेगा? जब शहर हमारा स्वच्छ प्रदूषण मुक्त होगा, स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा, सुंदर होगा, तो सब अपने लाले लाली को प्यार करते हैं, उनके भविष्य के लिए जगेंगे और हम सड़कों पर उतर कर इस शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। महापौर नहीं है, उसकी वजह से मैंने कहा कि मैं आलोचनाओं में नहीं जाऊंगा। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, मैं खुद सुधरूंगा, जग सुधरेगा। राजपूत हितकारिणी सभा द्वारा 1 नवंबर को शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। इस संबंध में आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई। इसको भव्य रूप में मनाया जाए और शताब्दी समारोह के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। हमारे साथ में, हमारे बीच में टिकरवाल साहब, श्री दर्शन सिंह तोमर, हमारे मुख्य जिनकी भूमिका महामंत्री कुशवाहा को हो गए हैं, तो एक इसको भव्य रूप प्रदान किया जाए। और उस एक प्रस्ताव आया और शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाए। तो लगा सभी लोगों का प्रयास रहा है, एक प्रदेश के तो सभी लोग रहते ही हैं, अब किसी किसी बाहर प्रदेश से किसी की उपस्थिति दर्ज हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ढूंढते हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी मुख्य अतिथि के अग्रणी रहे। निश्चित तौर पर जिन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ से उठकर तो दिल्ली तक अपनी ख्याति प्राप्त की है। जो संस्था है राजपूत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1919 में हुई और 2019 चल रहा है, तो 100 साल पूरे हो गए हैं इसके। उसी उपलक्ष में हमने शताब्दी समारोह मनाने का निर्णय लिया और हमारी सारी पदाधिकारी, सदस्य और सभी लोगों का ये आग्रह था कि इस कार्यक्रम को, चूँकि आपके कार्यकाल में और सभी के कार्यकाल में एक भव्यता मिले, तो उसका प्रयास किया। कौन कौन से अतिथि जा रहे हैं सर? जी अतिथि कौन होंगे?
अच्छा बताएं, मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, अध्यक्षता नरेंद्र सिंह जी तोमर, केंद्रीय मंत्री सभी की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। हाँ करीब सबकी हो गई है, इसमें सम्मान भी है, काफी लोगों का सम्मान है, करीब 50 लोग तो होंगे, 50 लोगों का सम्मान भी है, और हमारे जो पूर्व छात्र रहे हैं उनको भी हम अग्रणी रख रहे हैं, और कुछ यहाँ के जो पूर्व के घराने रहे हैं उनको भी अभी जगह दे रहे हैं, ताकि उनको ऐसा महसूस नहीं हो कि हमारी संस्था है हमसे अलग थलग हो गए, हम अलग थलग पड़ गए हैं, उन सबको भी मैं हाँ केंद्रीय एक गजेंद्र सिंह जी, शेखावत जी भी आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री। अब इसमें तो आरक्षण के उसमें तो यही हम लोगों का रहेगा कि एक सबसे सरल और सहज तरीका है कि आर्थिक आधार हो जाए तो सबको उसका लाभ मिलेगा। हम ये नहीं चाहते कि हमें ही आरक्षण दिया जाए, दिया सबको जाए, लेकिन आधार आर्थिक हो जाए तो सब उससे लाभान्वित हो सके। मध्य प्रदेश पुलिस के ADGP राजा बाबू सिंह ने ग्वालियर पुलिस को बड़ा आदेश दिया है। राजा बाबू सिंह ने कहा है कि पुलिस का अगला टारगेट चैन स्क्रेचर है। ग्वालियर शहर में जैसे ही चैन स्केचिंग की वारदात हो वैसे ही शहर में नाकेबंदी करें, चैन स्केचर को चेंज किए जाए और टोकिए, जो पुलिसकर्मी टोकेगा उसे इनाम मिलेगा, साथ ही आउट ऑफ प्रमोशन के लिए रिकमेंड करूंगा। दरअसल राजा बाबू सिंह बीते 1.5 साल में शहर में हुई 4 बड़ी लूट की वारदातों का खुलासा करने वाली आरोपियों को पकड़ने वाले क्राइम ब्रांच की टीम का सम्मान करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने क्राइम ब्रांच के अफसरों और जवानों की मीटिंग ली, जिसके बाद उन्होंने चैन स्नैचिंग की वारदात रोकने के लिए आदेश ग्वालियर पुलिस को दिया है। आपको बता दें कि ADGP राजा बाबू सिंह ग्वालियर रेंज में IG हैं और साथ ही बीते दिनों हो रही चैन स्नैचिंग वारदातों को लेकर चिंतित हैं। और बड़ी बहादुरी के साथ हमारे क्राइम ब्रांच के जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने जिस तरह इनको शॉर्ट इनकाउंटर में पकड़ा है, निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है। और अब हमारा अगला टारगेट चेन स्नैचर्स हैं। मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जब भी कोई चेन स्नैचिंग की घटना हो, वायरलेस सेट पे पॉइंट चले, आप पूरे शहर की तत्काल नाकाबंदी करिए, चेज करिए चेन स्नैचर्स को और ठोकिए। जो भी पुलिसकर्मी चेन स्नैचर्स की ठोकेगा उसको ना मैं केवल इनाम दूंगा बल्कि उसका आउट ऑफ टर्म प्रमोशन भी मैं रिकमेंड करूंगा। थैंक यू। इंडस्ट्रियल एरिया बाराघाट स्थित जूता फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर आग शॉर्ट सर्किट में लगी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रॉपर्टी तो सही उनकी है, DIC की, ये उज्जवल हुआ की आपको डिटेल दी होगी प्लीज। देखिए सर, ये 90 ईयर्स मुरैना के स्टेशन रोड थाने के अंतर्गत नंदकापुरा रोड पर स्थित सवाई माधो बाबा मंदिर के पुजारी प्रमोद किरार की धारदार हथियारों के साथ अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। मंदिर की जमीन पर जमीनी वाद चल रहा था, इसी वाद को लेकर हत्या की आशंका जाहिर की गई है। इस हत्या के इलाके में सनसनी फैल गई, लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस मामले की जाँच की पड़ताल में जुट गई है। भाई सबसे पहले वही आया ना, सजा मुद्दा आदमी दौड़ देखेंगे, की बात करिए फरियाद अपनी बात करिए। पहले नजर पहले विवाद तो हुआ है, अगर ये तब हमने बनी है और विवाद भी हुआ, बाबा को भी धमकी दे के गए, कोई बार के बाबा तू हमसे बचेगा नहीं, क्या कर रहा है? चलो भैया सबके हित में कि निष्पक्ष कार्रवाई हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जल्दबाजी में हम कुछ नहीं करेंगे, पर ये बात पक्की है कि गुलाब नाम तो लेने थे मैंने इनका विजय है।
खिलाफ नाम नहीं थी जिस पर आपको डाउट है। मेरा जबर सिंह यादव। क्या हुआ ये बाबा का मर्डर? बाबा का रात्रि में मर्डर हो गया है और शाम को खाना खा के सो गए हैं। सुबह वो जो आए हमारे महेंद्र भाई साहब, उन्होंने आके देखा है 5 बजे के लगभग बाबा मृत पड़े हुए थे। मोटर उन्होंने आके बंद की है। तो बाबा का यहाँ कोई लूटपाट तो नहीं हुई है, लेकिन बाबा का प्लॉट के संबंध में, जमीन के संबंध में 2 महीने थे। न्यायालय प्रकरण चला रहा है। राजेंद्र शर्मा और सौरभ, रामू, सत्यराम शर्मा और गौरव, इन लोगों से विवाद चला रहा है। तो वो आए दिन आके बाबा को धमकी दे जाते थे कि न्यायालय से प्रकरण वापस ले लो, इस तरह की धमकी देते रहते थे वो। जब बाबा ने प्रकरण वापस नहीं लिया, उसी संदर्भ में हो सकता है उन लोगों ने मर्डर किया हो। प्लॉट के लिए? हाँ, प्लॉट की जिस सामने जगह डली हुई, इसके बाद चला रहा है न्यायालय प्रकरण विचाराधीन है। सर, ये यहाँ पे एक ये जगह है, उस पर एक प्रमोद किरार करके व्यक्ति है, वो काफी समय से रह रहे थे और यहाँ पे लोगों की आस्था भी थी उनमें। तो अभी यहाँ पे उनकी सुबह आज सूचना मिली है, उनकी डेड बॉडी मिली है, कि किन कारणवश ऐसी घटना घटी है, उन सभी तथ्यों की हम जाँच कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस केस को खुलासा कर रहे हैं। सर, क्या माने? देखिए, इसका एक जमीनी विवाद भी है यहाँ पे। कारण यहाँ पे बताती है, किरार समाज और डंडौतिया समाज के बीच में विवाद है, पर उसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो अभी हम प्राइमर फेसियम उसमें जाँच करेंगे और देखेंगे क्या क्या तथ्य हो सकते हैं। मुरैना गांव में दाऊजी मंदिर पर दीपावली के दूसरे दिन पड़वा से चल रहे लीला मेले में मंगलवार को हजारों की संख्या में लोग उमड़े। लोगों ने दाऊजी मंदिर के दर्शन किए और मेले में खरीदारी की। मेले के दूसरे दिन ग्रामीणों की विभिन्न टोलियों ने कन्हैया गायन किया और लोकगीत भी गाए। इसके अलावा मेले में विभिन्न समाजों के संगठनों ने पंचायतों का आयोजन किया। दिवाली के दूसरे दिन मुरैना गांव के लीला मेला लगता है। अंचल में की वंदती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलदाऊ के साथ मुरैना गांव आते हैं और 3.5 दिन मुरैना गांव में रहते हैं। इस दौरान यहाँ मेला लगता है और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। बहुत वर्ष पूर्व मुझे कहानी चली आ रही है। मैं 35 ईयर का हो गया हूँ और जहाँ तक मेरा विश्वास है कि यहाँ ठाकुर जी आते हैं और जो भी इस बीच में अपनी मन्नत रखता है, अपने हृदय से आता है, ठाकुर जी की परिक्रमा लगाता है और उस बीच में कैसी भी परेशानी, जो भी दिनचर्या उसकी रही है व्यक्ति विशेष की, जो भी, चाहे वो औलाद की हो चाहे कैसी भी हो, जिसने अपनी अर्जी ठाकुर जी के चरणों में रखी है, अगली साल जब ठाकुर जी आते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है। और ठाकुर जी का यहाँ आने से यहाँ की पूरे ज़िले की और दूर से भी आए 100-200 किलोमीटर दूर के लोगों की बड़ी आस्था है। 3.5 दिन में 4.5 लाख लोग यहाँ आते हैं और इस बीच में अब मैं देख रहा हूँ मुरैना गाँव के लोगों का बड़ा योगदान है। बाहर से आए हुए लोगों की गाड़ी घोड़े, पानी, खाना पीना, रुकने की व्यवस्था तक ये मुहैया करा रहे हैं। इससे गांव की भी मर्यादा बनी हुई है और इस गांव की पहचान और गांव के हर व्यक्ति की पहचान स्वयं द्वारकाधीश ताऊजी जी से, महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से, जिनके आने से हमारे गांव में जो दिवाली मनती है पूरे देश में मनती है, पटाखे फलाना ढिकाना ऐसा नहीं है। इस गाँव की दिवाली तो सुबह ठाकुर जी के आने से ही मनती है और ठाकुर जी के विदाई समारोह के बाद ही ये हमारा क्या है, गांव से आना जाना बाहर होता है। अदरवाइज 3.5 दिन सारे गांव के लोग और सारी महिलाएं, बहनें, भाई बच्चे सभी डंडों की परिक्रमा भी करते हैं और भी समाज के लोग आते हैं जिनका ध्येय दाऊजी से लगा हुआ है। और एक काल्पनिक बात है, लोगों की सोच अलग अलग, किसी नज़रिए से कोई लेता है, पत्थर है ये तो आप भी जानते हो वैज्ञानिक भाषा में बोले, लेकिन हृदय से एक बंद बताए तो उनके अंदर धड़कन है। अपन ने कभी कोई ज़िंदगी में मांगा था मेरा ये काम है,
लाज राखी हो ठाकुर जी, तो अपनी लाज तो स्वयं ठाकुर जी रखी। ठीक। नगर निगम में बनाए गए जेडो इन दिनों हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि उनसे मूल कार्य न करा कर अन्य कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे मूल कार्य प्रभावित हो रहा है। सर, किस तरह धरने दिया रहे, किस तरह के आपकी मांगे हैं? उपयंत्री सिविल का मूलता पद हम सभी लोगों का है। उपयंत्री संवर्ग का शासन द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2015 को एक सेटअप राजपत्र में प्रकाशित कर विभिन्न कार्यों हेतु विभिन्न पद स्वीकृत कर तदनुसार ही पदानुसार कार्य लेने के निर्देश राजपत्र के द्वारा जारी किए गए थे, जिसके तहत अतिक्रमण के लिए अलग पद हैं, साफ सफाई के लिए अलग 10-12 पद हैं और आपके इंजीनियरिंग के लिए अलग पद है, जन कल्याण के लिए मुख्य संगठक सहायक संगठक अलग पद हैं। वर्तमान में नगर निगम ग्वालियर में एक नकली पद क्रिएट कर जोनल अधिकारी का बना दिया गया है और सेटअप में स्वीकृत 25-30 पदों का कार्यभार केवल उपयंत्री को ही दे दिया गया है, जिसके कारण हम सभी लोग उपयंत्री पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। अन्य पदों के जो 25-30 कार्य पदों का कार्य है, उन कार्यों में लगातार कार्य करने के कारण समय अभाव रहता है। उस समय अभाव के कारण जो हमारे पद का मूल काम है उपयंत्री का निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण, चूँकि दूसरे कार्यों में समय चला जाता है, तो हम अपने उपयंत्री पद का दायित्व सही ढंग से निर्वहन करने में नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण कार्य की गुणवत्ता शहर में खराब हो रही है। तो हम सभी का माननीय आयुक्त महोदय एवं मध्य प्रदेश शासन के हमारे यशस्वी मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, हमारे नगर के समस्त विधायक आदरणीय मुन्नालाल जी गोयल, आदरणीय श्री प्रवीण पाठक जी से अनुरोध है कि शासन का जो सेटअप 15 जुलाई 2000 को जारी हुआ है, उसमें जो पद स्वीकृत किए गए हैं, जिस पद के लिए जो कार्य स्वीकृत है या जिस पद के जो दायित्व है, उसी पद का कार्य उससे लिया जावे, जिससे हम सभी को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है शहर की सफाई व्यवस्था भी सुधरेगी, शहर के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों या अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी सुधरेगी। आज तो लिए आपने क्या किया है? आज माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से हम सभी की मुलाकात हुई थी। माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी द्वारा हम सभी को ये आश्वासन दिया है कि आप हमें अभी 5 दिन सहयोग करो, मैं 5 दिन में आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि 5 दिन के अंदर आपसे सिर्फ मूल पद उपयंत्री का कार्य लिया जाएगा एवं सफाई व्यवस्था जिस पद के लिए जो शासन द्वारा पद स्वीकृत है उनको कार्य आवंटित कर दिया जाएगा। धरने पर ही बैठे गांधी पार्क पर हम सब लोग एकत्रित होकर सांकेतिक रूप से अपना शांतिपूर्ण आंदोलन जारी हम सभी लोगों ने रखा है। कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करोगे क्या? नहीं, अभी शाम को आयुक्त महोदय द्वारा 4 बजे मिलने का हम लोगों को बैठक का समय दिया हुआ है। माननीय आयुक्त महोदय से चर्चा 10,000 के इनामी आरोपी श्रीनिवास और राकेश को जौरा थाना पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर आज जानकारी दी गई। जौरा से हमारे संवाददाता जितेंद्र जादून की खास खबर। 13 अक्टूबर को SDOP सालुगढ़ महेंद्र शर्मा को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर बताया कि नहर किनारे ग्राम खनपुरा के पास किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिस पर SDOP सालुगढ़ द्वारा थाना प्रभारी रामपुर धर्मेंद्र कौर को फोन कर सूचना दी गई, जिसके आधार पर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी रामपुर ने घटना की तस्दीक की और बताया कि वह लाश किसी अज्ञात व्यक्ति की है, जिसके सर से खून बह जाने के कारण मौत हुई है। लाश की तलाशी ली गई थी, मृतक की जेब से 1500 रुपये और एक पर्ची निकली, जिस पर मोबाइल नंबर भी लिखा था। उस नंबर पर मोबाइल फोन लगाया गया तो वह मृतक की पत्नी सपना गर्ग का निकला, जिस पर मृतक की पत्नी सपना और मृतक के बड़े भाई सतीश गर्ग मौके पर आए, जो उन्होंने लाश को पहचान कर सपना का पति सतीश का भाई मुकेश गर्ग निवासी सब्जी मंडी कैलाश का बताया कि मौके पर कार्रवाई कर मार्ग भी कायम में किया गया। इसके बाद आरोपियों की ढूंढने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए। 11 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे बस द्वारा केलर से चिनौनी जाने की जानकारी देते हुए मुकेश गर्ग अपने घर से निकले थे। जानकारी के आधार पर मृतक की संबंध में जब जानकारी पुलिस ने जुटाई तो 12 अक्टूबर को चिनौनी से शाम को 5:30 बजे के लगभग 2 लोगों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चिनौनी से जाते हुए उन्हें देखा गया।
ग्राम के सीसीटीवी और ग्राम सेमई के सीसीटीवी के फुटेज लिए जाने पर स्पष्ट फुटेज न मिलने से आर बुगेड़ियों की पहचान करने में मुश्किलें भी आ रही थी, लेकिन उनसे मिलती जुलती शक्ल के लोगों से पूछताछ की गई और मोबाइल की लोकेशन खंगाली गई, जिस पर ग्राम बैरा का पूरा श्रीनिवास कुशवाहा पिता हरनाम कुशवाहा से पूछताछ की गई और मोबाइल नंबर और टावर लोकेशन के आधार पर उस पर शक हुआ, जिस पर पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके साथी राकेश झाकड़ नेवाजी बल्लू का पुरा के साथ उक्त हत्या उसने की है। आरोपी की निशानदेही पर मोटरसाइकिल और उस समय पहने हुए कपड़े और जूते भी बरामद कर लिए गए हैं, जिसकी जांच कराई जा रही है। इस घटना पर पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा आरोपी गणों की गिरफ्तारी हेतु 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था, जिससे अब पूरा कर लिया गया है। हत्या हुई थी, उसका खुलासा करने पर यह पाया गया कि उक्त व्यक्ति की हत्या जो है फुटेज के आधार पर लोगों को पूछताछ की और फुटेज के आधार पूछताछ करने के दौरान ये आरोपी जो है श्रीनिवास कुशवाहा और राकेश झाकड़ को कसम दायर किया गया। पूछताछ पर इन्होंने जो है ये बताया कि ये जो है मृतक के बड़े भाई के लड़के से 1,00,000 रुपये की सुपारी को दी गई थी और जिस पर से उन्होंने हत्या अंजाम दिया, ठीक है, और जिस पर से उन्होंने उसकी निशानदेही पर मतलब जो आरोपियों के जूते बरामद किए उस जूते पर जो ब्लड जैसा निशान पाया गया और जिस पत्थर से हत्या की गई थी वो पत्थर ही में उनके द्वारा जो बरामद कराया गया, ठीक है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें, अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक लिए नमस्कार। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ग्वालियर के सभी नागरिकों से अपील करना चाहूंगा कि डेंगू का चिकनगुनिया ये ऐसे मच्छर जनित ऐसे बीमारियां हैं जिनको हम कुछ सफेद साफ पानी में कुछ गंदे पानी में तो अपने घर के आसपास ऐसा पानी इकट्ठा ना जैसे सकोरों में कूलर में किसी ऐसा बर्तन में जिसको दिल ना देखा हो, और अगर इस सब उपायों के बाद भी अगर कोई आदमी बीमार होता है तो उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करें और डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया में जो सावधानी है वही बचाव है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वयं एक अच्छे नागरिक की भांति अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखेंगे और कहीं भी जल भराव नहीं होने देंगे, और आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति आएगा तो उसको आइडेंटिफाई करके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाने जाएंगे।